मुजफ्फरनगर में पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल के नेतृत्व में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत भारत माता की जय और देश के अमर शहीदों की जय के नारों के साथ पूरे जोश और उत्साह के साथ शुरुआत की गई। नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज से तिरंगा यात्रा रुड़की रोड शिव चौक से होते हुए झांसी की रानी चौक और फिर नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर में जाकर संपन्न हुई। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष ने कहा, ये आजादी का अमृत महोत्सव है, हमारे लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम इस अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। लाखों लोगों ने कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद कराया है। मैं आज उन सभी अमर शहीदों को शत शत नमन करती हूँ। अमर शहीदों की कुर्बानी हमें ये याद दिलाती है कि कितने जुल्म सितम के बाद ये आजादी का अवसर मिला है, हमें इसे संजो कर रखना है। अंजू अग्रवाल ने कहा कि इससे हमारा आत्मसम्मान और स्वाभिमान बढ़ेगा और इसी से ही हमारा राष्ट्र एक नया कीर्तिमान विश्व में स्थापित करेगा। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल, अधिशासी अधिकारी हेमराज सिंह, प्रधानाचार्य नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज सुमित्रा, अखंड प्रताप सिंह, तनवीर आलम, मेनपाल सिंह समेत नगर पालिका कन्या स्कूल और नगर पालिका परिषद का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। लेकिन नगर पालिका के स्कूल में आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम घर घर तिरंगा के रूप में मनाया जाया गया है। वहाँ पर अभी और भी कार्यक्रम है, हमने वहीं से रैली निकाली है और ये हम 75वां अमृत महोत्सव तिरंगा महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये 75वां महोत्सव है और सभी को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि सब अपने अपने घरों में झंडा तिरंगा जरूर फहराएं। इसके लिए ये मुहिम छेड़ी हुई है हमारी नगर पालिका से भी, कई हज़ार झंडे बंट चुके हैं और आज से ही ये मुहिम छिड़ गई है। आज से लेकर के 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चालू रहेगा और सब घर में जब तिरंगा लगेगा तो एक अद्भुत ही नज़ारा देखने को मिलेगा। तो मैं तो कहती हूँ सबके अंदर के हमारे तिरंगे के प्रति सम्मान हो, यही शायद हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का कुछ इस तरह का ही संकल्प रहा है, जो ये जो है बीड़ा उठाया है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। तो हम इसका सम्मान करते हैं और सभी को कहते हैं कि सभी लोग अपने घरों में तिरंगा जरूर। आपने जो रैली निकाली है कहाँ से निकाली है, कहाँ संपन्न हुई? नगर पालिका स्कूल से लेकर हमारे नगर पालिका के बिल्डिंग तक।